अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। सोहेड बलोकी से आगे फिर मैं जा रही थी अपने गांव में, क्योंकि अगर मैं उससे ये व्लॉग को कंटिन्यू करती तो वो बहुत लंबा व्लॉग हो जाना था। सो आई स्प्लिट देम इनटू द टू व्लॉग्स। सो नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई विलेज। सो लेट्स गो। यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस करीब पड़ता है, लेकिन इतना करीब भी नहीं था, इतना दूर भी नहीं था, मतलब ओके था, एवरेज था। सो यहाँ पे मैं जा रही थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेचर थी वो बहुत खूबसूरत थी, बिकॉज मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोस के अंदर आपको नेचर ही शो। ये कोई गांव था जिधर जो था वो बहुत ज़्यादा रश था, और यहाँ पे यहाँ के बच्चे जो वो इस तरह बसेस के ऊपर बैठ के स्कूल से वापस आते हैं। जो ऊपर बैठे हुए बच्चे होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, लाइक उनको कोई भी फी वगैरह पे नहीं करते, दे आर फ्री। और वो इसी तरह फ्री जो है वो घर से आते हैं, स्कूल से घर आते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, वट एवर। सो यहाँ पे मैं जा रही थी अपने गांव की तरफ, एंड यू कैन सी द नेचर हर जगह। मतलब आपको आपके लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइडों पे आपको जो हर जगह हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। और ये भी एक अलग वाइब होती है लाइक पाकिस्तान में ट्रैवल करने से आपको मिलती है। लाइक जब मैं सऊदीया ट्रैवल करती हूँ तो वहाँ पे मुझे सैंड राइट और लेफ्ट साइड पे नज़र आती है, और वो एक अलग वाइब होती है। सो ये एक अलग वाइब है। सो यहाँ पर मैं अप्रॉक्सीमेटली विद इन अ फ्यू टाइम जो है वो मैं पहुँचने वाली थी, और यहाँ पे एक बारात भी थी जो कि लोग खड़े हुए देखे थे। मैं ये भी रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ आपको। सो नाउ आई एम अगेन हेडिंग टूवर्ड्स द विलेज। ये मैं पहुँच चुकी हूँ, मतलब राइट नाउ आई एम इन माई ओन विलेज में। और यहाँ से बेसिकली मैं थोड़ा और ट्रैवल करना पड़ता है विलेज में, मतलब अंदर मेरे घर की तरफ जाने के लिए। एक न्यू लैंड खुली है जिधर उन्होंने कुछ झूले लगाए हुए हैं, और इट्स अ गुड पार्क बिकॉज जो लोग यहाँ पे गांव वगैरह में रहते हैं उनके बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि वो आके ये वीकेंड पे या मंथली या ईद वगैरह पे आते हैं, आके एंजॉयमेंट करते हैं, झूले वगैरह लेते हैं, वो चले जाते हैं। लाइक पहले ऐसा होता था कि इन लोगों को लाहौर आना पड़ता था, लाइक स्पेसिफिकली किसी एक अच्छी जगह पर जाना पड़ता। नाउ दे आर हैविंग द फैसिलिटीज़ इन देयर ओन टाउन, मतलब ओन विलेज। सो यहाँ पे मैं गांव पहुँच चुकी हूँ। दिस इज़ माय हवेली, इसको हम हवेली बोलते हैं। सो हवेली में सबसे पहले आपको दो मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं। सो नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स होम। यहाँ पे हमने सनी बनी को निकाली है, दिस इज़ माय होम माशाल्लाह। एंड बिल्कुल जो खेतों के बिल्कुल सामने ही मेरा घर है, मतलब बिल्कुल फ्रंट सबसे पहले जो है स्टार्टिंग में ही मेरा घर आता है। सो यहाँ पे सनी बनी भी बैठे हुए थे और मज़े से वो बिस्किट खा रहे थे, क्योंकि उन्होंने सर्विंग वगैरह की थी। और इस वक्त सूरज ढल रहा था, लाइक हम लोग यहाँ पे ये बिल्ली आई थी और ये बिल्ली इधर ही रहती थी, लेकिन जब से उसने देखा था सनी बनी को वो तो कुछ ज़्यादा ही चक्कर लगा रही थी, और अब उसके फेस के एक्सप्रेशन चेक, यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूज़ होगी क्योंकि सनी बनी ने जैसे ही बोलना स्टार्ट किया तो वो कन्फ्यूज़ होगी कि ऊपर से आवाज़ आ रही है कि ये लोग बोल रहे हैं। सो उनको समझ नहीं आ रही थी एंड दे आर गेटिंग कन्फ्यूज। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्ली के एक्सप्रेशंस के, वो कितने मज़े से बैठी इनको देख रही है कि मैं किस तरह इनको खाने के लिए तैयार हूँ। सो यहाँ पे लग चुका था खाना हम लोगों के लिए। सो खाना खाने के बाद यहाँ पे बाबा सनी बनी के साथ बैठे हुए थे, उनको बीज वगैरह खिला रहे थे, क्योंकि अगर वो कहीं आते जाते हैं तो ये एक तो ये बोलते नहीं हैं और दूसरा ये लोग खाते पीते नहीं हैं। सो इनकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे रात के टाइम में ऑरेंज टाइम चल रहा था, यहाँ पे जो थे वो बनी तो सो गया था और सनी जो है वो फुल मस्ती फुल मूड ऑन है, और वो बार बार सनी जो था वो बनी को तंग कर रहा था, और बनी अपनी आराम से कौन सी नींद पूरी करने की कोशिश में थे क्योंकि उसका टाइम हो चुका था सोने का। सो नेक्स्ट डे सुबह यहाँ पे जो है मैं बैठी हुई थी नाश्ते के लिए। सो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कौवे भी नज़र आ रहे हैं और लाली भी नज़र आ रही है। आई डोंट नो लाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन मैंने ये वर्ड सुना है कि इस बर्ड को यही बोलते हैं, सो इसलिए आई स्टार्ट। और ये माशाल्लाह से हमारी हवेली में नए मेहमान आए हैं। सो दिस इज़ अ मोस्ट प्रेशियस काओ, काऊ का बच्चा था और उसके साथ उसकी मामा भी थी, एंड इट वॉज़ सो क्यूट कि मुझे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पसंद आया। और वो इतना प्यारा सा, इतना क्यूट सा, ब्लैक एंड वाइट कलर का, एंड इट वॉज़ हैविंग इट्स ओन ग्रेस माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ये भी छोटा सा बेबी है। सो दिस इज़ माई व्लॉग, ये भी एक मेरा मिनी शॉर्ट व्लॉग था। आई होप कि आपको पसंद है। दिस इज़ माई होल इंटायर हवेली, ये माशाल्लाह।
एंड यू कैन सी दैट ऑल द एनिमल्स, मतलब हम लोगों के जो हैं और ये सब चीज़ें, वो मुर्गियाँ भी थी वही जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी. सो हेयर आई एम हेडिंग टूवर्ड्स बैक टू माई होम, एंड आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा. अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और स्टे ट्यून फॉर न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग्स. सो यहाँ पे हम नर्सरी पे रुके थे क्योंकि कुछ पौधे वगैरह चाहिए थे, लाइक गुलाब का फूल वगैरह चाहिए थे और दो तीन और पौधे चाहिए थे, उसकी वजह से फिर हम लोग यहाँ नर्सरी पे रुके थे. और नर्सरी पे रुकने के बाद अब हम लोग जा रहे थे अपने घर, और यहाँ पर सनी बनी जो थे वो घर जा रहे थे, इसलिए वो बहुत खुश थे कि भाई हम घर जा रहे हैं अपने. सो यार आई एम हेडिंग टूवर्ड्स बैक टू माई होम, अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई रीच टू माई होम्स बैक. ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स. अल्लाह हाफिज़.